सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक से कजिन आमिर खान को रातों रात स्टार बनाने वाले डायरेक्टर मंसूर खान लंबे समय से फिल्मी दुनिया से गायब हैं। 1988 में कयामत से बतौर डायरेक्टर उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली और 2008 में प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने पहली और आखिरी फिल्म जाने तू या जाने न बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब मंसूर खान कहाँ है? साउथ इंडिया में चीज बनाने का बिजनेस कर रहे हैं मंसूर। डैश मंसूर करीब 15 साल से तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कस्बे को नूर में रह रहे हैं और चीज बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चीज के बिजनेस के लिए मंसूर ने फिल्मों को क्यों छोड़ा? इस सवाल के जवाब में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि बचपन से ही मैं ऐसा कोई बिजनेस करना चाहता था। डैश बकौल मंसूर, पनवेल मुंबई के पास में हमारी कुछ जमीन थी जिससे हमें काफी लगाव था। मैं और मेरी बहन वहां जाते थे और अपने हाथों से भिंडी के पौधे लगाया करते थे। मैं अब्रॉड से कॉर्नेल और मिट तक गया लेकिन अंदर से खुश नहीं था। डैश पापा नासिर हुसैन ने फिल्मों में आने की सलाह दी, तब भी मेरा मुख्य उद्देश्य जमीन के साथ जुड़े रहना था। फिल्में तो सिर्फ उस समय तक के लिए थीं, जब तक कि मुझे वह जिंदगी नहीं मिली जैसी मैं जीना चाहता था। 1979 से 1980 तक मैं कॉर्नेल और मिट में रहा और फिर मिट का आखिरी साल मैंने छोड़ने का फैसला लिया। उस वक्त अलीबाग के करीब हमारी कुछ जमीन थी। सरकार उस जमीन का अधिग्रहण एयरपोर्ट बनाने के लिए करना चाहती थी। तब मुझे भूमि अधिग्रहण और इसके अधिकारों के बारे में पता चला। आगे की स्लाइड्स में पढ़िए मंसूर की लाइफ से जुड़ी खुद और रोचक बातें। कुनूर से अटैचमेंट कैसे हुआ? डैश मंसूर के मुताबिक वे फिल्मों की शूटिंग के लिए कुनूर जाया करते थे। वहां उनके भांजे इमरान खान बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उन्हें लगता था कि यह जगह उनके रहने के लिए सबसे उचित है। 2003-04 में उन्होंने यहां आना जाना काफी ज्यादा कर दिया। कई दिन वे यहां रुकते। यहाँ पहले से ही मंसूर का एक फैमिली हाउस था। डैश मंसूर कहते हैं, जब मैं यहाँ आया तो कर्ज में डूबा हुआ था, पेरेंट्स की डेथ की वजह से डिप्रेशन में भी था, इसलिए मैंने दिल की सुन ली और यहाँ आ गया। बॉलीवुड छोड़ना आसान काम था क्योंकि इसे मैंने अपनी जिंदगी के गेट को भरने के लिए चुना था। डैश, जब मैं यहाँ आया तो शुरुआत में मेरे दोस्त सोचते थे कि मुझे अकेलापन अच्छा लगने लगा है, पूरी जगह को हरा भरा कर दिया। डैश, जब 2005 में मंसूर को नूर शिफ्ट हुए थे तब यहाँ हरियाली नहीं थी, उन्होंने यहाँ की 22 एकड़ जमीन को हरा भरा कर दिया। डैश मंसूर यहाँ पत्नी टीना और बच्चों जायन और पबोलो के साथ रहते हैं। डैश रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यहाँ 7 एकड़ जमीन, 7 गाय और 2 बकरियाँ खरीद कर अपना बिजनेस शुरू किया था। यह है मंसूर की फिल्में। डैश मंसूर ने बतौर डायरेक्टर कयामत से कयामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जोश को डायरेक्ट किया। इनमें से सिर्फ जोश को छोड़कर बाकी फिल्में उन्होंने कजिन आमिर खान के साथ की। जोश के लीड एक्टर शाहरुख खान थे। डैश बतौर प्रोड्यूसर मंसूर की इकलौती फिल्म जाने तू या जाने न है, भांजे इमरान खान को लेकर बनाई गई यह फिल्म सुपरहिट रही थी।